नमस्कार दोस्तों, ब्लड टेस्ट के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से भूतिया से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मम्मी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा भूतिया कहानी बताने वाली है, तो उस कहानी को सुनने के लिए आप लोगों को अंत तक बने रहना होगा। तो बताओ मम्मी। नमस्कार। तू बहुत छोटी थी तो गाँव में नहीं बच्चे खेलते हैं। हाँ। तो खेलने गए थे तो एक औरत ने तुमको भूजा इतना दे दी। हाँ, मतलब चना जो हरी मकई बोलते हैं उसको भूजा। हाँ। वो भूजी थी इतना दे दी, तू खा ली। जब खा ली तो घर में आई। हाँ। तब से तुम्हारा पेट में दर्द हो। हाँ, मतलब भूजा मतलब बता दीजिए, नहीं समझ आता। जो पॉपकॉर्न होता है ना, जैसे वैसे ही पॉपकॉर्न जैसा चने का और पॉपकॉर्न का भूजा बोलते हैं गांव में, वैसा रहता है। हाँ, वो गुनसार रहता है, भूजा भूजाता है। हाँ, तैयार होता है। हाँ। तो वही भूज के वो ले जा रही थी। वो डाइन थी तुमको इतना दे दी। हाँ। तू छोटे बच्चे थे, तू खाली खाते खाते भी लेके आई थी। हाँ। पैकेट में भर दी तू लेकर। मुझे कह रही कहाँ से लाई, कहाँ से लाई, तो बोले कि एक औरत दे दी। हाँ। तब तू तो खा चुकी थी, भूजा फेंक दी और छोटी और बाबू को नहीं दी, पूजा और बाबू को नहीं दी। हाँ। खाली तू खा लिया, खा उसी में तुमको कर दिया। मतलब उस भूजा को खिला के मुझे। हाँ। उसने डाइन कर दिया। डाइन कर दिया वैसे। हाँ। फिर वो रात में पेट दर्द होने लगे। वो पेट दर्द के बाद फिर सुबह जाके। हाँ। वो उल्टी होने लगा। हाँ। ऐसे करते करते तुम दावा बीरो में चलाती। अब हमको नहीं ये था कि वो कर दी है। हाँ। वो दावा बीरो चलाते चले तू बहुत ज्यादा दुबली हो गई। उसके बाद तू अपने खूब चिड़चिड़ाती। हाँ, मैं बस शायद मैं खुद को मारती भी थी, बार बार भी खाती थी, एकदम खूब चिड़चिड़ा रही थी। हाँ। तब वो चाची जी बोला कि ले जाओ इसको कहीं दिखाओ। हाँ। सुखा ओझा के हाँ इसको दिखाओ, क्योंकि इसके लगता है कि कोई कर दिया। हम बोले थे कि एक औरत ये भूजा खाते हुए आई थी। हाँ, ये खेलने गई तो कोई दे दिया। तुमको इतना पता नहीं कि कौन दिया, तू पहचानी नहीं। हाँ, क्योंकि देखो अगर नॉर्मल चीज मेरे साथ कुछ ऐसी होती तो दवाई इतने टाइम से मम्मी करा रही थी, मैं ठीक हो जाती। मेरी हालत जो थी ना वो बहुत खराब हो चुकी थी। हाँ। बहुत पतली हो गई थी, चिड़चिड़ी हो गई थी। उसके बाद वो तो छोटा नोच लेती, किसी को बाल ऐसे उखाड़ती, पकड़ती बहुत, किसी को पकड़ती ऐसे खा जाऊंगी। तो परेशान करती जब हरकत करने लगी। हाँ। तब बोले कि चाची जी अरे इसको क्या हो गया, तो बोले कि अरे इसको थोड़ा ऊपरवार दिखाओ ना। हम बोले कहाँ दिखाएं ऊपरवार, बहुत सोच में पड़ गई मैं, घर में से बाहर कहीं जाती नहीं। तब ऐसे पता चला कि दीदी के गांव में एक बैठता है बूढ़ा है। हाँ, मेरी बड़ी मौसी के गांव में। हाँ। एक बहुत ही बूढ़े बाबा रहते, अभी शायद। हाँ। जिंदा होंगे नहीं, नहीं, नहीं अब जिंदा नहीं है, बहुत ही बूढ़े थे वो। हाँ, तो गई थी वहां पर, ले गई दिखाने के लिए दीदी के यहाँ ले गई। गई तो वहां ले गई तो भैया ले गया, दीदी का लड़का। हाँ, तो मौसी का लड़का है। हाँ, मौसी का लड़का। हाँ, वो ले गया दिखाया तो भभूत दी और उसको झाड़ दी, लौंग भी दी। हाँ, भभूत बुद्धि उठा के वो वहाँ हमेशा हवन कुंड जलाता है वहाँ। हाँ। पूजा कर वहीं से उठा के दी और वो झाड़ दी। हाँ। वो झाड़ने वाले के रखता है मोर के पंख जैसे। हाँ। उसी से झाड़ दिया ऐसे तो। हाँ। आराम हो गया। लेकर फिर बुलाया था कि फिर मंगल के लेके आना, तो मंगल के वो झाड़ते थे तो बोले। तब वही हम गए फिर लेके दोबारा, तो पूछे कि अच्छे बाबा ये सचमुच में टोना और डाइन और भूत होते हैं क्या। तो वो बोले कि हाँ बेटा ये सही बात है। हम करे हमको इस पर नहीं विश्वास होता, क्योंकि मम्मी पापा कभी ऐसा विश्वास नहीं करते। हाँ, चीजों हाँ, पहले बिल्कुल नहीं करते थे। हाँ, तो वो बोले कि ना होता है। देखो हम तो 80 साल के हो गए है। हाँ। लेकिन मेरा चाची वो बता रहे थे कि मेरा चाची बहुत पहले की बात है। हाँ। वो बता रहे थे कि एक गांव में माँ बेटा दो ही रहते थे। हाँ, हाँ। तो दोनों माँ बेटा दोनों लड़का के शादी में नहीं हुआ। हाँ। माँ मर गई। हाँ। कोई बीमार हुआ मर गई। हाँ। तो माँ बेटा दोनों रहते थे तो गांव में वो पहले सवारी नहीं मिलता था कहीं पैदल जाने का। हाँ। तो उसको जला दिया बगीचे में, मुर्गा घाट होता है गांव में बनता है। हाँ, शमशान घाट, उसी में जला दिए। हाँ, तो वो सब रख पात बटोर लिया। हाँ। और एक मटका था उसी में वो रख लेते हैं। हाँ। रख के और क्या किया, उसका मुंह रस्सी से बांध के। हाँ, कपड़ा से मुंह बांध देते रस्सी से। हाँ, रस्सी से उसको बांध देते। हाँ, और वो रस्सी इतना बड़ा रखता था ना कि ऐसे कान्हा पर रख लिया। हाँ, हाँ। ऐसे कान्हा पर लटका लिया वो पीठ पर, वो हो गया रस्सी ऐसे पकड़ के। वो पैदल लेके एक हाथे लाठी लेके वो पैदल जा रहा था कि माँ का अपना ये विसर्जन कर दे गंगा। संस्कार तो किया और राख है उसको। हाँ, ये थी गंगा जी में उसको डाल कर देंगे। हाँ, डाल देंगे, वहाँ पंडित रहते हैं वो सब कराते हैं। हाँ। तो वही बिटोर के लेके चला गया। हुँ। जा रहा था रास्ता में। हाँ। तब तक ले उधर से ये थी आ रहा था,
उसमें से इतना हाथ निकल रहा था, इतना हाथ निकाल के ऐसे चाहती कि इसका गाला पाछे से ऐसे ममर, ऐसे हाथ करती ममरने के लिए। मतलब जो मटका उसने लटकाया था, हाँ, वहाँ से हाथ निकल रहा था, हाथ ऐसे गला दबाने के लिए। वो नीचे से ऐसे एक बार निकाली, ऐसे तले पाछे से कोई आ गया, वो धमकी, हाँ, कोई चल किसी को आई थी भाई, फिर हाथ अंदर कर, मतलब उसने देखा कोई आ रहा है पीछे से, जो हाथ निकल रहा था वो फटाक से गुप्त से अंदर चला गया, चला गया। वो नहीं भेट रहा था, थोड़ा नीचे था, तो वो पूरा फिर हाथ इतना निकाली, फिर दोबारा ऐसे आता, एक आदमी पीछे से आ रहा था, दूरी था, वो देख रहा था कि अरे भाई वो मटका में से हाथ इतना कैसे निकलता है, हाँ, मटका में से हाथ कैसे, ऐसे पकड़ के, ऐसे चाहती कि ऐसे पकड़ के इसका गर्दन दबा दे, हाँ, हाँ। लेकिन वो नीचे था तो थोड़ा इतने हाथ निकलता था, तो उतना पाछे था तो दौड़ा और आवाज लगाया कि ए सुनो, ए राही सुनो सुनो सुनो, तो बोला क्या है, हाँ। तो मटका में क्या रखे हो, हाँ। तो कुछ नहीं भाई, ये तो माँ मेरा मर गई, तो हाँ। बगीचे में जलाए थे, हाँ। तो वो राख लेके मैं, हाँ। जा रही हूँ गंगा जी में विसर्जन करने के लिए, हाँ, हाँ, हाँ। तो बोले थे कि अरे उसमें से इतना हाथ निकल रहा है, इतना हाथ निकल रहा है, तो कहता कि हाँ हाथ निकल रहा है, तो हाँ एक बार नहीं दो बार हाथ निकला, तुम्हारा गर्दन के साइड तक जाता है, हाँ। गर्दन भिड़ता नहीं, लेकिन इतना हाथ निकलता है, फेंको फेंको ना, तो तुम पैदल जाओगे, अकेले पड़ेगी, गला दबा देगी। मतलब इन शॉर्ट जो आत्माएं होती है ना, हाँ, हाँ। वो एक बार मरने के बाद शरीर से निकलने के बाद तो किसी की नहीं हो सकती, मतलब किसी की अपनी, हाँ, नहीं हो सकती, हाँ, मर जाते हैं तो दुश्मन बन जाते, हाँ, ऐसा होता है, हाँ। जरूरी नहीं सब आत्माएं होती है, कुछ लोग को होता है मरने के बाद भी अपने परिवार से लगाव होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी आत्माएं होती है, हाँ। जो मरने के बाद भी अपने परिवार को परेशान कर सकती है। वो ले जा रहा था, तो वो समय ना, जब तक उसको तेरह ही नहीं होता, जब तक उस शांति नहीं बन जाती, तब ले लो वो नहीं रक्षा करते, नहीं रक्षा करते। कुछ लोग होते हैं कि अपने परिवार को दिखाना चाहते कि हम मर रहे हैं, नहीं नहीं, तो वो क्या करते हैं, जब उसको तेरह ही हो जाता है ना, हाँ। पूरे पूजा पाठ उसको विधि विधान से जब उसको तेरह ही कर देते हैं ना, वो पिंडा पर आता है गंगा जी का, वो सब हो जाता है ना, हाँ। उसके बाद किसी किसी ऐसा है कि अपने घर को रक्षा करते हैं, हाँ, बहुत आत्माएं होती रक्षा, हाँ, और नहीं तो वो बहुत ठीक करते, जब तक वो नहीं बनता है ना, तेरह जन्म नहीं मिलेगा कुछ दूसरा, हाँ, 13 दिन के बीच में वो लोग भूत बैताल बन के वो लोग घूमते रहते हैं, हाँ, 13 दिन बीच में घूमते, हाँ, घर में घूमे, वैसे उसको हाथ नहीं पकड़ाया तो गला दबा दी होती, हाँ, और वैसे तो वही मटका फेंक दिया, फिर वापस आ गया, तो वापस आया तो सब बता रहा था, तो उसको चाची सुनी, तो वही सोखा बाबा हमको बुढ़ा बता रहा था, हाँ। कि अरे बेटा वो पहले से भी भूत था, अभी ये लोडाइन थोड़ा सीख लेती है लोगों को सताने के लिए, हाँ, हाँ, हाँ। ये सही बात है, होता है भूत प्रेत होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और जो बाबा, हाँ, थे जिन्होंने मेरा मतलब किए, हाँ, वो ना पैसे वैसे नहीं लेते, नहीं नहीं पैसा, सिर्फ अगरबत्ती लेते, बोले थे कि मैं इस मंदिर में पूजा करता हूँ, मुझे एक अगरबत्ती दे दो, अगरबत्ती पैसा नहीं होता खरीदने के लिए, अगरबत्ती दिए और थोड़ा सा चावल, हाँ, थोड़ा आलू और उसी पर 20 रुपया रख दिए, अगरबत्ती, हाँ, माचिस किन के जला देना, पूजा कर देना, और चावल वो ले गए घर के, चावल वो था, हाँ, तो दीदी दी कि ले जाओ उस पोते देना, तो हाँ, वहाँ ये थी कि तो झाड़ फूक कर दे, तब से तू कभी नहीं हुए, वही तो। और पता है ये मैं क्यों नहीं बताई थी पहले, क्योंकि मम्मी ने मना की थी कि ये जो मतलब मेरे साथ हुआ था बचपन में, बहुत दर्दनाक था वो, तो मम्मी ने बोली थी किसी को मत बताना, क्योंकि ऐसी चीजें होती है ना जो वापस आ जाती है, उसके बारे में बात करो तो। और बाबा ने भी बोले थे कि इसके बारे में ज्यादा कभी बात मत करना, लेकिन इस टाइम पे मैंने सोची कि उसको बहुत साल हो गए, मैं छोटी तब हुआ था, हाँ, हाँ, छोटी करीब 5-6 साल के, तो मैंने, हाँ, सोची कि अब तो बता ही सकते हैं, और, हाँ, आप लोग उसके साथ तो शेयर करना ही चाहिए, हाँ, हाँ, क्योंकि खेल रही थी ना, हाँ, उस समय तो कोई कुछ भी देता था तू खा लेती छोटी, हाँ, मैं बचपन में मैं हर टाइम भूखी रहती थी, हाँ, अगर मैं कोई पूछेगा तूने खाना खाया, खाना कुछ खाया, हाँ, मतलब मैं हर टाइम भूख रहती बचपन में, जयपुर में रहती तो सब लोग बोलता कि यार छोटी खाना खाई हो, तो बोलती है नहीं ये तो खाना नहीं खाई है, इतना कोई उठेगा तो इतना रोटी दे देगा बड़ा, और उस पर इतना सब्जी दे देगा, तू सब्जी खा के यार रोटी ऐसे छोड़ के भाग जाती है, रोटी जब फेंक देती रोटी कोई इज्जत नहीं है, सब्जी खा ली और निकल गई खा लेती थी, हाँ। कोई कभी पूछ दे तो कोई पूछता कि अरे भाभी छोटी खाना नहीं खाई, फिर नहीं तो मैंने छोटी को नहा धोआ के कपड़ा पहना के खिला पिला के मैंने छोड़ दिया कि जाओ तब तक ले खेल लो, तो मैं ले चलूंगी स्कूल, ले जाती रोज ले जाती
लेकिन जब कोई पूछ देगा कभी तो तू नहीं बोलती कि खाना है। हाँ। कोई आ जाए तो बोलता कि हमको खाना दो तो तू दौड़ के पकड़ लेती बर्तन खाना किसी मेरे घर का खाना कोई नहीं खा सकता। मैं ऐसी थी बचपन में। हाँ। लेकिन अभी ऐसी नहीं हूँ। अभी आप आओ सब आओ मेरे घर पे सब खाना खा के जाओ। अभी ऐसी नहीं हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, भूतिया भी लगा होगा और मस्ती वाला भी लगा होगा और मेरी लाइफ के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि मेरी लाइफ में क्या क्या मैं करती थी बचपन में। तो इसीलिए इस वीडियो को पसंद कर रहे हो अगर तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि जब भी हम लोग नए वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। आगाह में जितना बच्चे लोग है जान पहचान के है तो सही है। हाँ। लेकिन बिना जान पहचान के कोई कुछ भी दे दे नहीं तो बिना माँ के ला के माँ के देना खाने का नहीं मुंह में नहीं डालने का क्योंकि गांव में अभी डाइन टोना भूत है, है, है। किसी को नजरिया देती है। हाँ किसी किसी को नजरिया देती है। बच्चे लोग को तबियत खराब हो जाता है, गार्जियन को पता नहीं चलता है कि बीमारी है बीमारी है, ऐसे करके बच्चे लोग बहुत सताती है। इसलिए बच्चे लोग आप लोग किसी के दिया हुआ सामान कोई नहीं खाने का। हाँ जो अपने जान पहचान के रहेगा उसी से खाने का पीने का आराम से रहने का बिंदास रहने का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।